So we were discussing the journal entries for joint venture. In that, we have already covered the first four entries. The first entry is for the amount contributed in the joint bank account. The entry would be joint bank account to co-ventures personal account. Second entry for the goods or any other item contributed by the co-venture. Then the entry would be joint venture to co-ventures personal account. Third entry is for the purchase of goods for cash, जहाँ पे joint venture account is debited to joint bank account, because here we have purchased by giving the amount. यहाँ पे cash का मतलब bank भी होगा, क्योंकि हर बार bank word नहीं होगा, तो यहाँ पे भले लिखा हो purchase goods for cash, और payment हम check से ही करेंगे joint bank account से, तो joint venture to joint bank. अगर credit में खरीदा है एंट्री ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगा. अब आप देख लो सभी जगह पे ज्वाइंट वेंचर जो है डेबिट इसलिए होता है क्योंकि वहां पे कोई एक्सपेंस हुआ है, हमने गुड्स खरीदा तो एक्सपेंस हुआ, इसलिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा थर्ड एंड फोर्थ एंट्री में. फिफ्थ एंट्री की बात करें तो फिफ्थ एंट्री में हमने फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखा है एक्सपेंस पेड फॉर ज्वाइंट वेंचर, तो यहां पे भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, जो भी पेमेंट करेंगे बैंक से करेंगे. ये हो गया ज्वाइंट वेंचर डेबिट कब होगा उसका पॉइंट. अब हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का है मान लो, तो हमने सेल्स किया होगा तो सेल्स कैश में भी हो सकता है क्रेडिट में भी हो सकता है. कैश में किया है तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर. मतलब यहां पे हम एज्यूम करते हैं कि हमको जो भी पेमेंट मिला है वो बैंक के चेक थ्रू मिला है, तो बैंक में अमाउंट जमा हुई, बैंक इज द रिसीवर, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होगा बिकॉज इट इज इनकम. क्रेडिट पे किया है तो एंट्री होगी डेटर टू ज्वाइंट वेंचर, मतलब इनकम होगी आपको सेल्स के वजह से तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होगा. अगर एक्सपेंस किया है आपने तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा, जैसे कि परचेस ऑफ का एक्सपेंस है तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा, या तो और कोई एक्सपेंस है तो भी ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा. उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि नाउ डेज इन द मार्केट बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल आर कॉमनली यूज. तो इफ द पेमेंट टू क्रेडिटर इन कैश और इश्यू ऑफ बिल्स पेएबल, हमारा कोई क्रेडिटर है अगर उसको हमने पेमेंट किया है, अगर कैश में किया है चेक से किया है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, पर अगर हमने पेमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज से किया है तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट होगा. तो इस एंट्री का कनेक्शन परचेस के साथ है. कौन से वाली एंट्री, तो मैं आपको बता दू ये जो फोर्थ एंट्री है उसके साथ कनेक्शन है. फोर्थ एंट्री में हमने देखा था हमने गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे, तो एंट्री किया था ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मान लो मिस्टर एक्स है तो एंट्री होगी ज्वाइंट वेंचर टू मिस्टर एक्स. अब मिस्टर एक्स को हम पेमेंट कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स को पेमेंट करेंगे तो एंट्री नंबर 8 आएगा. कैसे पेमेंट कर रहे हैं देखो, 8 नंबर में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मतलब मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, अगर चेक दिया है टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट आएगा, अगर आपने चेक नहीं दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है तो एंट्री आएगा टू बिल्स ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट, तो एंट्री बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. कैश दिया है तो एंट्री बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक. कौन सा पेमेंट का मेथड है वो आपको देखना है. उसी तरीके से ऊपर जो 7 नंबर का पॉइंट है वो देखो, 7 नंबर में हमने क्रेडिट में सेल्स किया था, तो अगर हमने किसी को क्रेडिट में सेल किया है तो पेमेंट मिलेगा. तो 7 नंबर की एंट्री थी डेटर्स टू ज्वाइंट वेंचर, मान लो ये मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई को हमने उधार माल बेचा है तो एंट्री बनेगी मिस्टर वाई टू ज्वाइंट वेंचर, 7 नंबर मिस्टर वाई टू ज्वाइंट वेंचर, जिसको हम डेटर बोलेंगे, मिस्टर वाई इज द डेटर. अब उससे पेमेंट मिलेगा तो हमारे बैंक में पैसा आएगा, बैंक इज द रिसीवर, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब ज्वाइंट बैंक अकाउंट टू मिस्टर वाई. अगर उसने पेमेंट कैश में नहीं किया है चेक से नहीं किया है, और मान लो हमने जो बिल लिखा है वो बिल उसने एक्सेप्ट किया है, मतलब वो हमको पेमेंट दे रहा है विद द हेल्प ऑफ बिल्स रिसीवेबल, तो एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर. हमें अगर किसी से पेमेंट लेना है तो बिल्स रिसीवेबल आ सकता है,
अगर हमें किसी को पेमेंट करना बाकी है तो बिल्स पेबल आएगा। एंड द लास्ट 10 नंबर पॉइंट इज सेइंग एनी कमीशन एनी सैलरी और एनी इंटरेस्ट एटसेट्रा पेएबल टू द को वेंचर। अब ए और बी को वेंचरर्स है, पार्टनर्स है, तो उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो उनको अगर कोई पेमेंट किया जाता है सैलरी का या कमीशन का, तो एक एक्सपेंस हो गया इस बिजनेस का, तो एक्सपेंस आर डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट और जिसको देना है उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मान लो मिस्टर ए को हमने दिया, मिस्टर ए इज वन ऑफ द को वेंचरर, उसको हमने 5,000 सैलरी का दिया, तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू मिस्टर ए अकाउंट, क्रेडिट 5,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इलेवन नंबर एंट्री पार्ट ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय द को वेंचर। अभी कभी क्या होता है, हम जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में से कुछ कुछ गुड्स, सम अमाउंट ऑफ गुड्स इज टेकन बाय द को वेंचरर। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था काइट्स का सेलिंग का, दो इंसान इकट्ठा होकर काइट सेलिंग कर रहे हैं, तो मान लो मिस्टर ए अपने घर के लिए 500 रुपये का काइट्स ले जाता है, तो उसका भी तो एंट्री करना पड़ेगा। ये उसका ड्रॉइंग हो गया, उसने ड्रॉइंग किया, या तो गुड्स ले गया बिजनेस से, तो उस केस में एंट्री करेंगे। जो भी ले गया है उसका अकाउंट डेबिट करो, और ये एक तरह का सेल्स हुआ बिजनेस का, तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा। जैसे कि भास्कर रॉय एंड मी, वी टू स्टार्टेड दिस काइट सेलिंग एक्टिविटी। मान लो 500 रुपया का काइट्स में मेरे घर के लिए ले गया, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी मिस्टर किशोर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। एक तरह का ड्रॉइंग हो गया। बाद में हम क्या करेंगे, इस जॉइंट वेंचर को क्लोज करेंगे, ताकि हमें पता चले कि ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो 12 नंबर की एंट्री आएगी, लॉस होगा तो 13 नंबर का एंट्री होगा। तो 12 नंबर में एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर टू को वेंचर्स पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट हम को वेंचर्स को दे देंगे अग्रीड रेशियो में। अगर लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स होगी, को वेंचर्स पर्सनल अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो हम अकाउंट में देख लेंगे। 14 एंड 15 है कि जो भी को वेंचरर्स है, जिसको हम पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, उनको जो भी पेमेंट किया जाएगा या तो उनसे कोई अमाउंट रिसीव की जाएगी जब वेंचर बंद हो जाएगा बाद में, तो उसकी एंट्री है। तो फॉर पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द वेंचर्स, मान लो हमने मिस्टर बी को 50,000 रुपीज दिया, तो एंट्री बनेगी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से हम वो पेमेंट करेंगे। मान लो मिस्टर बी से कुछ लेने का हुआ बिजनेस बंद करने के बाद, ऑलरेडी उसने अमाउंट ज्यादा विड्रॉ कर लिया है पहले से ही, तो उससे हम वापस ले गए, तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट टू को वेंचर्स पर्सनल अकाउंट। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। नीचे आपको एक नोट दिया हुआ है कि अगर आपने आपके क्रेडिटर को पेमेंट किया है और आपको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव शुड बी डेबिटेड टू क्रेडिट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। उसी तरह से सिमिलर डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है हमारे डेटर को, तो डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट शुड बी डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट। ये नोट इसलिए दिया है कि ज्यादातर नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, पर यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट डेबिट करने की जगह पे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करना है। ये थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका थोड़ा अलग है। अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, जबकि यहाँ पे जॉइंट वेंचर करना है। ओके, ये हो गया, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट क्वेश्चन में आएगा, हम देख लेंगे उसको। नाउ वी आर सीइंग द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1 कर दे रहे, थोड़ा आइडिया आपको आ जाएगा कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बताया है, ए एंड बी एंटर जॉइंट वेंचर, ए और बी मिलके एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं छोटा सा। ए अग्रीड टू ब्रिंग
कैपिटल इन कैश, मिस्टर ए कैपिटल लाएगा कैश में। अकॉर्डिंगली अ जॉइंट बैंक अकाउंट इज ओपन बाय ए फॉर अ सम ऑफ रुपीज 80,000। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में 80,000 रुपीज वो लाता है, मिस्टर ए 80,000 कैश में लेके आ रहा है। बी बाइज गुड्स वर्थ ₹50,000 एज ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जबकि मिस्टर बी क्या करता है, कैश नहीं ला रहा है, वो 50,000 का गुड्स खरीदता है और बिजनेस में लेके आ रहा है। फर्दर गुड्स वर्थ ₹1,18,000 वर परचेज फ्रॉम मिस्टर सी पेइंग ₹60,000 एंड बैलेंस बाय प्रॉमिसरी नोट साइन बाय ए एंड बी। फिर क्या होता है, अब इनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो इनको ज्यादा गुड्स की जरूरत होती है, तो वो लोग 1,18,000 का गुड्स मिस्टर सी से खरीदते हैं। मिस्टर सी इज अ थर्ड पर्सन क्रेडिटर, उससे हम 1,18,000 का गुड्स खरीदते हैं और उसमें से हम 60,000 का पेमेंट कर देते हैं, तो अभी भी 58,000 का पेमेंट करना बाकी है। उसके लिए हम प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट कर देते हैं, हम उसको प्रॉमिस देते हैं मिस्टर सी को कि वी प्रॉमिस टू पे 58,000 आफ्टर 3 मंथ्स और आफ्टर 2 मंथ्स, ऐसा हम प्रॉमिस देते हैं, जिसको एक तरह का बिल्स पेएबल कहा जाएगा। वी हैव टू पे दिस बिल बिकॉज वी हैव परचेस गुड्स ऑफ 1,18,000 एंड 60,000 इज ओनली पेड, तो स्टिल 58,000 वी हैव टू पे। फॉर दैट वी विल गिव द प्रॉमिस, वी विल एक्सेप्ट द बिल्स, जिसको हम बिल्स पेएबल बोल सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट बोल सकते हैं। तो अब आपको बोलो तो इस बिजनेस में टोटल गुड्स हो गया 50,000 का बी वाला और 1,18,000 का जो ये लोग नया खरीदते हैं, तो टोटल यहाँ पे गुड्स इन्होंने परचेस किया है 1,68,000 का, और मिस्टर ए जो है 80,000 रुपया ज्वाइंट बैंक में जमा करवाता है। इतना यहां तक हुआ है, मिस्टर सी को उन्होंने पेमेंट भी कर दिया है 60,000 का। आगे द गुड्स वर सेंट टू कलकत्ता फॉर सेल, एक्सपेंसेस टोटलिंग ₹5,000 वर इनकर्ड इन सेंडिंग द गुड्स। अब इनका ये जो गुड्स है वो लोग कलकत्ता में सेल कर रहे हैं, मान लो बड़ौदा में ब्रांच शुरू किया और गुड्स कलकत्ता में बेच रहे हैं, तो यहां से वहां भेजने का खर्च 5,000 आ रहा है, तो 5,000 रुपीज एक्सपेंस हुआ जो ज्वाइंट वेंचर में हम डेबिट कर देंगे क्योंकि एक एक्सपेंस हुआ है। पार्ट गुड्स वर डैमेज एंड सम ऑफ 25,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब हमने जो माल सेल किया, जितना भी गुड्स हमारे पास था वो हमने सेल कर दिया, 5,000 का एक्सपेंस हुआ, उसमें से थोड़ा गुड्स डैमेज हो गया और हमने इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 25,000 रुपीज देने का प्रॉमिस किया। तो अब हम 25,000 इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। द बैलेंस गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹2,20,000 और बाकी गुड्स 2,20,000 में सेल कर दिया। कुछ डैमेज हो गया, कुछ सेल कर दिया, डैमेज हो गया उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी अब 25,000, और जो अच्छा गुड्स था उसका हमको 2,20,000 रुपीज मिला हुआ है। अब हमें बोला है गिव द जर्नल एंट्रीज, अगर जर्नल एंट्रीज नहीं पूछते हैं तो वो लोग आपको अकाउंट बनाने का भी बोल। यस सर, इसमें जो हमने इंश्योरेंस लिया उसका तो पेमेंट किया ही नहीं है। हाँ सही बात है। अब देखो ये इलस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम आना चाहिए, आना चाहिए ना। यस हाँ अब यहाँ पे मैं ऐसा इम्प्लाइड लेके चलता हूँ कि ये लोगों ने जो माल सेल किया ना कलकत्ता में, उसका हाँ एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस वर्ड यूज किया है उन्होंने, तो हम ऐसा मान के चले कि इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, अदरवाइज दिस ओके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड, वी दिस राइट, आई एग्री। तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे 5,000 रुपया जो एक्सपेंस किया है उसमें इंश्योरेंस का भी अमाउंट है, ऐसा लेके चलते हैं। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, मेरे माइंड में भी था ये। चलो अब हम इसकी बात करते हैं, तो वन बाय वन हम इसको रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम 80,000 का बात करते हैं। 80,000, देखो 80,000 रुपीज मिस्टर ए ने ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जमा करवाया है, तो एंट्री सिंपल सी ऐसे बनेगी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एस पर्सनल अकाउंट बिकॉज मिस्टर ए इज द गिवर,
और ज्वाइंट बैंक में वो अमाउंट डेबिट होगा। बोलो समझ में आ रहा है 80,000 का एंट्री? हाँ सर, अब यहाँ पे एंट्रीज नहीं लिखा है, एंट्रीज हम ओरली डिस्कस कर रहे हैं, उसका पोस्टिंग दिया हुआ है। तो देखो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो दो अकाउंट बनाए हुए हैं यहाँ पे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया हुआ है और एक अकाउंट बनाया हुआ है ज्वाइंट बैंक। इससे तो तीसरा अकाउंट भी बनने चाहिए, एस अकाउंट भी बनना चाहिए और बीस अकाउंट भी बनना चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज है इसलिए खाली दो अकाउंट में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ और एंट्रीज भी हम ओरली डिस्कस करेंगे। तो हमने 80,000 की एंट्रीज की बात की, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू मिस्टर ए अकाउंट। तो इसका पोस्टिंग ज्वाइंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड हुआ होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स लेते जाएंगे। तो आप लोगों को दिख रहा है ज्वाइंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 80,000 लिखा हुआ है मिस्टर एस अकाउंट से। कैन यू सी? अच्छा ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पोस्टिंग उसका होगा मिस्टर ए के अकाउंट में क्रेडिट साइड, जो यहाँ पे नहीं बनाया है हमने। अगर बनाते हम मिस्टर ए का अकाउंट तो क्रेडिट साइड हम लिखते हैं बाय ज्वाइंट बैंक, जो नहीं बनाया है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। चलो अब बात करते हैं आगे। देखो क्या लिखा है थर्ड लाइन में, बी बाइज गुड्स वर्थ ₹50,000 एज ए पार्ट ऑफ हिज शेयर कैपिटल। अब मिस्टर बी गुड्स लेके आ रहा है 50,000 का, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? तो उसकी एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट। तो यहां पे आप देख सकते हो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है 20 अकाउंट 50,000, क्योंकि एंट्री क्या बनाया हमने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू 20 अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज डेबिटेड टू 20 अकाउंट, बी इज द गिवर, तो बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। मिस्टर ए 80,000 लेके आया, कैश लेके आया था, तो वहां पे हमने एंट्री किया था ज्वाइंट बैंक टू मिस्टर ए, इसलिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखा था 80,000। मिस्टर ए के केस में ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखा, जबकि मिस्टर बी के केस में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि यहाँ पे वो गुड्स लेके आ रहा है, कैश लेके नहीं आ रहा है। कैश लेके आ रहा होता तो यहाँ पे भी ज्वाइंट बैंक ही होता। चलो ये दो चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, ओके। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे हमको बताया है फर्दर गुड्स वर्थ ₹1,18,000 वर परचेज फ्रॉम सी। मिस्टर सी से ये लोगों ने 1,18,000 का गुड्स खरीदा, 60,000 का पेमेंट कर दिया एंड द बैलेंस के लिए प्रॉमिसरी नोट है। तो अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो इसका एंट्री इस तरीके से होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 1,18,000। पहली बात, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 1,18,000, क्योंकि हमने 1,18,000 का गुड्स खरीदा है। टू ज्वाइंट बैंक 60,000, क्योंकि हमने 60,000 का पेमेंट कर दिया और बाकी का पेमेंट अभी नहीं किया है 58,000 का, उसकी हम प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं। तो उसका होगा टू प्रॉमिसरी नोट लिख सकते हो या तो टू बिल्स पेएबल लिख सकते हो आप 58,000। तो पूरी एंट्री में बोल रहा हूं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 1,18,000, डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट 60,000, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 58,000। चलो समझ में आ रहा है इतना एंट्री? हाँ सर, हाँ तो हमारा जो ज्वाइंट वेंचर होगा होगा उस ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड सबसे पहले तो हमें 1,18,000 लिखना पड़ेगा। तो देखो
जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड लिखा हुआ है 1,18,000, क्योंकि हमने 1,18,000 का गुड्स खरीदा है। दूसरा, 60,000 का पेमेंट कर दिया तो हमारे जॉइंट बैंक से वो अमाउंट कम हो जाएगी, तो उसकी क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय सीस अकाउंट 60,000, क्योंकि 60,000 का पेमेंट हमने किया है। आ रहा है समझ में? और बिल्स पेबल अकाउंट जो है, जो हमारा बिल्स पेबल 58,000 का है, वो अभी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि उसका अलग से अकाउंट हमने नहीं बनाया। एंट्री मैंने आपको बता दी, मैं एंट्री लिख भी देता हूं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आ जाए। एंट्री लिख के मैं आपको बता रहे रहा हूं ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सको। यहाँ नीचे मैं थोड़ा एंट्री को बताता हूँ, सही तरीके से समझ में आए इसलिए। देखो एंट्री हमारा होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करोगे आप 1,18,000 और जो पेमेंट कर दिया है वो जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है हमने, पेमेंट किया है 60,000 का, तो 60,000 और अभी भी थोड़ा पेमेंट करना बाकी है, तो वो जाएगा टू बिल्स पेबल में। प्रॉमिसरी नोट भी आप लिख सकते हो, बैलेंस अमाउंट 58,000। ये हमारी एंट्री है। इस एंट्री का पोस्टिंग हम कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड लिखेंगे 1,18,000, ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट साइड लिखेंगे 60,000, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्रेडिट साइड 60,000 है और ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड 1,18,000 भी लिखा हुआ है। ये रहा 1,18,000 और जो ज्वाइंट वेंचर हमारा है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने लिखा हुआ है 60,000, क्योंकि हमने 60,000 का ही पेमेंट किया है, पूरा अभी पेमेंट किया नहीं है। चलो इतना समझ में आ रहा है। हाँ सर। सर लेकिन ये बिल पेबल है वो एंट्री किस अकाउंट में होगा? हाँ अभी देखो, ये जो एंट्री है ना बिल्स पेबल का 58,000 का, उसका दूसरा ऑप्शन ये है, इसका अभी पेमेंट जब हम करेंगे तब लिखेंगे। चलो अभी अभी बता देता हूँ आपको। मान लो थोड़े दिन बाद हमने इसका पेमेंट कर दिया, इसका पेमेंट हाँ थोड़ा कर दिया तो क्या एंट्री बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका वो जो कंफ्यूजन यहाँ पे जो दिख रहा है ना बिल्स पेबल, वो उसका आइडिया आ जाए। मान लो मैंने थोड़े दिन बाद इसका पेमेंट कर दिया, तो इसका एंट्री बनेगा, बिल्स पेबल की बात कर रहा हूँ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना पड़ेगा 58,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, वो कर दिया, कहाँ से करोगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट से करोगा 58,000। ये दूसरी एंट्री है जो लास्ट में आती है, मैंने आपको अभी बता दी। तो चलो इस ओके अब इसका पोस्टिंग हम अगर हम करते हैं, तो जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें लिखना पड़ेगा, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड देखो ऊपर ही दिख रहा है आपको, बाय बिल्स पेबल 58,000 दिख रहा है, हाँ तो वो बाद में आता, पर अभी आपने पूछा तो मैंने अभी आपको बता दिया। चलो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन के बारे में। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है द गुड्स वर सेंड टू कलकत्ता फॉर सेल और एक्सपेंसेस 5,000 उसके पीछे हुए। कोई भी एक्सपेंस होगा ज्वाइंट वेंचर डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 5,000, पहली बात तो ये। अब उसका पेमेंट भी किया होगा, सारे पेमेंट ज्वाइंट बैंक से ही करने हैं, अभी भले कैश दिया हो पर एंट्री में तो ज्वाइंट बैंक ही लिखना है, तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू ज्वाइंट बैंक 5,000। तो दो जगह पे पोस्टिंग होगा, ज्वाइंट वेंचर की डेबिट साइड आप लिखोगे 5,000। तो चलो देखते हैं, ये रहा आपका ज्वाइंट वेंचर,
इस ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड देखो लिखा है टू ज्वाइंट बैंक 5,000 और पेमेंट किया, तो ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड देखो, ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट साइड लिखा है बाय ज्वाइंट वेंचर 5,000। क्या एंट्री बना है उसका? तो उसका एंट्री बना है ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक। इस तरीके से हमने एंट्री किया है ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक। किस अमाउंट का हमने लिखा एंट्री? 5,000 का लिखा, तो एंट्री बनेगा 5,000 का। ज्वाइंट वेंचर डेबिट 5,000 टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट 5,000। इसका पोस्टिंग दोनों जगह पे किया हुआ है। ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट साइड लिखा है ऑपोजिट अकाउंट बाय ज्वाइंट वेंचर 5,000, और ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड लिखा है टू ज्वाइंट बैंक 5,000। तेरा थर्ड आइटम, डेबिट साइड थर्ड आइटम। चलो समझ में आ रहा है? हाँ तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। आगे, अब आगे की हम बात करते हैं, आगे जो भी हमको ट्रांजेक्शंस दिए उसकी बात करेंगे। आगे हमको बताया हुआ है पार्ट ऑफ गुड्स वर डैमेज एंड ₹25,000 वॉज रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब मिल गया, पैसा मिल गया है हमको फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 25,000 इंश्योरेंस कंपनी से ही मिल गया है। द बैलेंस गुड्स वर सोल्ड फॉर 2,20,000। तो सबसे पहले तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, मिलता बाद में, पहले लेना है वो बताना पड़ेगा। तो इसकी अगर मैं एंट्रीज की बात करूं तो यहां पे लिख के आपको बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा आइडिया है। थोड़ा स्क्रीन में छोटा कर देता हूं तो यहां पे मैं लिख पाऊंगा इसी क्वेश्चन को। तो एंट्रीज की बात करते हैं तो देखो, अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी से लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी इज माई डेटर, तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जिससे मुझे ₹25,000 लेना है। एक तो ये बात। अच्छा, मैंने 2,20,000 का गुड सेल कर दिया है, तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरे ज्वाइंट बैंक अकाउंट में इतना रुपया आ जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा 2,20,000, ये मेरी इनकम है। और ये जो भी है वो सेल्स हुआ हमारा, कुछ गुड्स भले डिस्ट्रॉय हो गया पर पैसा तो मिलने वाला है, तो सेल्स हुआ। कोई भी सेल्स होता है तो वो इनकम है, तो ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनेगी टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, दोनों का टोटल 2,45,000। ये आपका है फर्स्ट एंट्री हुआ। फिर थोड़े दिन बाद आपको ये इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, पहले ड्यू होगा फिर रिसिप्ट होगा, तो पहले ड्यू वाली एंट्री लिखी, अब रिसिप्ट होगा, तो जब पैसा मिलेगा तो एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलेगा 25,000। किसने दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने, तो टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 25,000। अगर कोई ज्यादा जीरो दिख जाए तो बता देना। ये हो गया, दो एंट्री बनेगी। चलो अब इसके पोस्टिंग की बात करें तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री की बात करते हैं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें दो अमाउंट लिखनी पड़ेगी। इंश्योरेंस कंपनी से 25,000 मिलने वाला है वो, और ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जो 2,20,000 का माल दिया वो। तो चलो देखते हैं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड पहले चेक करते हैं। तो देख लो, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड दो आइटम लिखा है। एक तो लिखा है इंश्योरेंस कंपनी 25,000, जो बाद में मिल जाता है इसलिए ज्वाइंट बैंक भी लिखा हुआ है, और दूसरा है ज्वाइंट बैंक अकाउंट 2,20,000। ये क्या किया हमने? हमने जो एंट्री लिखी है नंबर वन, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड दो पोस्टिंग की है। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन कर देना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? दोनों को कंबाइन भी लिख सकता हूं, एक एंट्री में लिख सकता हूं। इस सेकंड एंट्री अगर मुझे नहीं लिखनी है तो फर्स्ट एंट्री जो है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, उसको ऑब्लिक करके मैं बता सकता हूँ ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि बाद में ये पैसा मिलने वाला ही है।
एसी कंबाइन एंट्री आप कर सकते हो, कंबाइन एंट्री करोगे तो सेकंड वाली एंट्री आप इग्नोर कर सकते हो। अब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड लिखा होगा दोनों आइटम, ये रहा जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड, दोनों आइटम लिखा है। उसी तरीके से जॉइंट बैंक में डेबिट साइड भी जाना चाहिए पोस्टिंग। तो जॉइंट बैंक अकाउंट देखो, जॉइंट बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पोस्टिंग हुआ है। फर्स्ट वाला पोस्टिंग 80,000 का हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया था। दूसरा लिखा है जॉइंट वेंचर 25 एंड 2 लाख 20। चलो इतना समझ में आया आपको? हाँ ओके, ये हो गई बात सेल्स की। सारे ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। एक ट्रांजेक्शन ऐसा था जो मुझे लास्ट में बताना था, पर आपने वहां पूछा तो पूछ लिया, बता दिया। ये प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ बिल्स पेबल, उसका पेमेंट नो डाउट हाँ हमने कर सर लिया है। तो उसका पेमेंट हम करेंगे तो एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट जॉइंट बैंक, बिल्स पेबल टू जॉइंट बैंक। तो देखते हैं, जॉइंट बैंक में क्रेडिट साइड लिखा होगा बाय बिल्स पेबल 58। सारे ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड दिए हैं। अब हमें क्या करना है, जॉइंट वेंचर को क्लोज करना है। तो अब देखना है किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 25 इंटू 20, तो 2,45,000 लिखेंगे। डेबिट साइड हमने खाली 3 आइटम ही लिखा था, 50,000 लिखा था, 1,18,000 लिखा था, और 5,000 का जो एक्सपेंस हुआ वो। इन तीनों को आप माइनस कर दोगे तो आपका बैलेंस आएगा 72,000। ये जो 72,000 है वो आपका प्रॉफिट हुआ, इस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ। इसीलिए डेबिट साइड लिखा है प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो हम वो दोनों पार्टनर्स को, दोनों को वेंचर्स को दे देंगे। रेशियो नहीं दिया है इसलिए इक्वली दे देंगे। अगर रेशियो दिया होता तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। तो मिस्टर ए को 36,000 मिलेगा और मिस्टर बी को 36,000 मिलेगा। तो प्रॉफिट 72,000 यहाँ पे हो रहा है, जो दोनों को हम दे देंगे। दोनों को प्रॉफिट दोगे आप तो बैंक से अमाउंट जाएगी। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड भी आप लिख दोगे, एस अकाउंट और बीस अकाउंट। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि पोस्टिंग कहाँ करना है और क्या लिखना है। यहाँ पे तीसरा अकाउंट जो है वो दोनों का बनाया नहीं है। अगर वो बनाया होता तो आपको ये अमाउंट का भी क्लेरिफिकेशन मिल जाता कि 1,16,000 कैसे आया और 86,000 कैसे आया। इंडिविजुअली अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ आपको ए और बी का। देखो ये दोनों को हमने 36,000 तो देना ही है, 36,000 तो हमें दोनों को देना ही है। उसके अलावा भी वो लोग जो बिजनेस में रुपया लाए थे वो भी उनको वापस कर देगी, उनका सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद। तो आगे जाके हम वो दोनों के अकाउंट्स भी बनाएंगे ताकि आपको ये भी पता चले कि अमाउंट कैसे आई। अगर वो अकाउंट नहीं बनाते हो तो डायरेक्टली आप डिफरेंस वाली अमाउंट से भी इसको लिख सकते हो। चलो इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको थोड़ा आइडिया आया है। हाँ सर धीरे धीरे हम जैसे एक्सरसाइज करेंगे पता चल जाएगा। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन जिसमें हमने बेसिक आइडिया लिया जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड क्या जाएगा। तो देखो सिंपली याद रखो, अगर कुछ परचेस करते हो तो डेबिट साइड जाएगा, कोई गुड्स लेके आते हो तो डेबिट साइड जाएगा, कोई एक्सपेंस है तो डेबिट साइड जाएगा, सेल्स करोगे तो क्रेडिट साइड आएगा, किसी से कुछ पैसा लेना है जैसे से यहाँ इंश्योरेंस कंपनी से लेना था तो क्रेडिट साइड। फिर डिफरेंस निकालो, डेबिट साइड आएगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड आएगा तो लॉस। प्रॉफिट और लॉस को उनके अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रैक्टिकली सोचो आप इसको, थियोरी में मत जाओ, एंट्रीज में मत जाओ, प्रैक्टिकली सोचोगे बहुत इजी है। कोई भी एक्सपेंस हो जॉइंट वेंचर में डेबिट होगा, कोई भी इनकम हो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट होगी। अच्छा, उसी तरीके से जॉइंट बैंक अकाउंट, आप अपने बैंक का अकाउंट खुलवाते हो तो वहां पे अगर कोई भी अमाउंट से बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर ये 80,000 लेके आया तो हमारा बैंक में 80,000 बैलेंस बढ़ गया। फिर हमने जो सेल्स किया तो 2,20,000, उससे भी हमारा ज्वाइंट बैंक में बैलेंस बढ़ गया। फिर
फिर हमको 25,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिले, तो फिर और हमारा बैलेंस बढ़ गया, तो हमारे ज्वाइंट बैंक अकाउंट में 3,25,000 हो गए। सामने कुछ पेमेंट भी तो किया हमने, जैसे कि मिस्टर सी को हमने 60,000 का पेमेंट किया, 1,18,000 का गुड्स खरीदा था उसमें से 60,000 का पेमेंट कर दिया, तो वो इतना बैलेंस हमारा कम हो जाएगा ज्वाइंट बैंक में। 5,000 के एक्सपेंस हुए कलकत्ता माल बेचने के, तो वो भी एक अमाउंट कट हो जाएगी बैंक में से। बिल्स पेएबल का 58,000 पे कर दिया मिस्टर सी से जो गुड्स खरीदा उसका, तो फिर एक और अमाउंट कम हो गई। बाकी का जो पैसा है वो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए को 1,16,000 मिला है, बी को 86,000 मिला है। यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि हमने वो दोनों के अकाउंट नहीं बनाए, वो भी अगर बनाता तो आपको ये अमाउंट भी मिल जाती। तो ए हो गया आपका। ओरली भी मैं आपको बता सकता हूँ। चलो मिस्टर बी की बात करें, क्वेश्चन हमारे माइंड में है। देखो मिस्टर बी जो है, क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। मिस्टर बी बिजनेस में कितना गुड्स लेके आता है, अपना खुद का कितना फिफ्टी लेके आता है? थाउजेंड 50,000, फिफ्टी थाउजेंड ये उसकी कैपिटल है। एक तो ये 50,000, इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? तो इस थर्टी बिजनेस सिक्स थाउजेंड 36,000, तो 50 और 36 कितना हो गया? तो 86 86 मिस्टर बी को पेमेंट करेंगे हम। तो यहाँ पे हुआ क्या, मिस्टर बी ने 50,000 इन्वेस्ट किया और 86,000 ले रहा है, तो 36,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से एके केस में भी आप देख सकते हो, 80 प्लस 36 80 प्लस 36 तो 1,16,000 हो गया, है ना? इजी। ओरली भी आप हाँ डिस्कस सर कर सकते हो। अब आज हमारा दूसरा एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके थैंक ओके, थैंक यू। यू सर थैंक यू।